हमारी मेन कैरेक्टर हॉलीडे के लिए बीच हाउस पर आई हुई थी, तभी उसके मदर का पास का फ्रेंड आकर उनसे मिलता है। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्टिस्ट था। जब इन दोनों में करीबियां बढ़ने लग गई तब सारे राज बाहर निकलते हैं। अब आगे क्या होगा ये आज की हमारी मूवी बीच हाउस 2017 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। इस मूवी की मिस्ट्री हमेशा आपको सीट की एज पर रखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, अपने हॉलीडे पर अपने बीच हाउस पर आए हुए थे। फैमिली में मदर का नाम है कैथरीन, फादर का नाम है हेनरी और उनकी बेटी का नाम है एमा। हैंग आउट करते हुए एमा को एक नेट मिला जो सी से वॉश ऑफ होकर आया हुआ था। इसके बाद रात में ये सब डिनर कर रहे थे। एमा स्कूल में है और उसने ब्रेक लिया था। अब वो चाहती थी कि जाकर जर्मनी में रहे। ये बात उसकी मदर को अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी ये चीज वो करना चाहती है। वो लिटरेचर में पढ़ाई कर रही थी तो उसका मानना था कभी भी स्कूल में वापस जाकर वो फिर से स्टडी कर सकती है। उसे राइटर बनना है तो हमेशा राइट करने की वो कोशिश करती है, पर आजकल वो कुछ भी राइट कर नहीं पा रही। ऐसी टेंशन में उसकी रातें बीत जाती है। एक दिन एमा की मदर कैथरीन को उसके ओल्ड फ्रेंड का कॉल आया जिसका नाम है पॉल। बहुत सालों बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आसपास ही था तो कैथरीन ने उसे वीकेंड के लिए अपने घर पर बुला लिया। पॉल के आने के बाद एमा उसे नोटिस करती है। पॉल को यहाँ हॉलीडे के लिए आना बहुत अच्छा लगा था। एमा के पेरेंट्स उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते कि अब वो जर्मनी जाने वाली है, उसने स्कूल से ब्रेक लिया है। पॉल एग्री करता है, कहता है कि लाइफ में मुझे स्कूल में जो पढ़ाया हुआ था वो कभी भी काम में नहीं आया। कैथरीन इस बात पर कहती कि पॉल की लाइफ बहुत ही अलग है, वो हमेशा ग्लैमरस सेलिब्रिटीज में रहता है। एक्चुअल में पॉल एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, उसका रिसेंट शूट ये बहुत फेमस हो गया था। इसके बाद ये सब उसकी फोटोज मिलकर देख रहे थे। एक बहुत ही न्यूड और वायलेंट फोटोशूट था, हमेशा उसकी इसी टाइप की फोटोज होती है। पॉल को यहाँ आकर हॉलीडे बिताना अच्छा लगा था क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। कैथरीन कहती कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, यहाँ पर अच्छी तरीके से तुम रेस्ट कर सकते हो। जब नेक्स्ट सीन में हेनरी और पॉल बात कर रहे थे तो हेनरी पूछता है तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। पॉल कहता है कि अब तक मुझे कोई भी मिली नहीं। हेनरी ने कहा कि कोई ना कोई तो अब भी होगी जो तुम्हें फंसा लेगी। पॉल को रहने के लिए उसका बेड वगैरह एमा बना रही थी। वहां पर उसके सामान में उसकी फोटोज उसने देखी। उसे एक एल्बम मिलता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था और ये बहुत ही अजीब था। ये वो पूरा देख पाती उससे पहले उसकी मदर वहां पर आके और वहां से चली जाती है। एमा इन फोटो से डरकर हेनरी से पूछती है कि मदर ऐसे कैसे कोई भी स्ट्रेंजर को घर पर बुला सकती है। हेनरी कहता है कि उसका पुराना फ्रेंड है। एमा को पॉल की उतनी ज्यादा एज नहीं लगती। ये सब मिलकर बीच पर हैंग आउट कर रहे थे तो पॉल भी आया। फिर हेनरी और पॉल स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। हेनरी उसे पूछता है तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। पॉल ने कहा कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बोर हो गया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हारे साथ भी अपने दिनों में कुछ हुआ होगा। यह हेनरी को रियलाइज होता है कि पॉल ज्यादा लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। पॉल की बातों से लगता है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। डिनर करते वक्त हेनरी ने पॉल को उसके एम्बिशन के बारे में पूछा। वो कहता है कि तुम्हारी फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी तरीके से सेल हो रही है तो तुम आगे की स्टेप भी ले सकते हो, जरा हायर प्राइस पर इन्हें सेल कर सकते हो। पॉल को इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो जिस तरीके से पहले काम करता था उसी तरीके से हमेशा करता रहेगा। ये बात एमा को बहुत ही अच्छी लगी। उसे भी एज अ आर्टिस्ट लोगों को किस तरीके से इग्नोर करना है और अपने आर्ट पर ध्यान देना है, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रात में बहुत लेट एमा ने कुछ आवाजें सुने तो ये पॉल बाहर खड़ा था। वो पूछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। पॉल ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि स्विमिंग के लिए जाओ पर पानी बहुत ही ठंडा होगा। अपना माइंड चेंज कर लेता है और अंदर आ जाता है। उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। एमा तो पहले मना कर रही थी फिर बाद में हाँ कह देती है किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो इस वजह से पॉल के रूम में गए। एमा ने पॉल को कॉम्प्लीमेंट किया, कहा तुम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, ये बात उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वो बताती कि आजकल मुझे राइटिंग करते हुए बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी लाइफ हमेशा ईजी रही है तो स्ट्रगल्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में वो लिख नहीं पाती। पॉल कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग चीज होगी जो तुमने कभी की होगी। एमा कहती कि एक बार लैब असिस्टेंट के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा अफेयर हो गया था पर मैं डर गई, इस वजह से आगे कुछ भी पढ़ नहीं पाया। ये सब बताते हुए एमा पॉल की इमेजेस देखने लग जाती है। उसने पॉल से कहा कि बहुत ही अजीब है। पॉल कहता है कि इसका थीम मर्डर था। जब भी आप इस टाइप की फोटोज निकालते हो तो आपको उस कैरेक्टर में घुस जाना चाहिए जैसे आप एक्चुअल में वो सब चीजें कर रहे हो। एमा इस बात से डर जाती है जैसे पॉल ने एक्चुअल में मर्डर किया होगा। वो फिर अपने रूम में चली गई। उस रात में सपना आता है जिसमें वो और पॉल इंटीमेट हो रहे थे।
वो अगली सुबह जब पॉल अपने रूम में नहीं था तो वहां घुस जाती है। उसकी सब चीजें देख रही थी तो एक बड़ी सी नेट उसमें उसे मिली। बाहर आकर उसने नोटिस किया कि पॉल अपनी गाड़ी के डिक्की में कुछ देख रहा था। वो जब उसके पास आए तो पॉल ने डिक्की बंद कर ली। ये बहुत ही सस्पिशियस था। जब एमा राइड करने की कोशिश कर रही थी तो पॉल उसके पास आ गया। उसे एक आइडिया आया था पर वो कन्फ्यूज थी कि किस डायरेक्शन में उस आइडिया को लेकर जाना है। पॉल कहता है कि जो चीज तुम्हें एक्साइट करे उसे तुम चूज कर लो और इसके बाद आगे का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। एमा उसे पूछती है कि तुम जिस तरीके से फोटोशूट करते हो वायलेंस के, क्या चीज तुम्हें एक्साइट करती है? पॉल ने कहा कि यही मेरी लाइफ है। ये बात एमा को और भी ज्यादा वियर्ड लगी तो वहां से वो चली जाती है। बीच पर थोड़े टाइम बाद जब पॉल स्विमिंग करने के लिए गया तो उसका फोन पड़ा हुआ था। एमा ने उठा लिया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल लगाने की कोशिश करती है पर डायरेक्टली वॉइस मेल पर गया। वो नंबर अब चल नहीं रहा था। शाम में मदर और फादर ग्रोसरीज लेने के लिए जरा बाहर जा रहे थे तो एमा ने मदर से बात करनी चाहिए। वो कहती है, मुझे पॉल बहुत ही अजीब लगता है। इतने सालों बाद तुम उससे मिली तो ये तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर ही है। जिस तरीके से वो फोटोशूट वगैरह करता है वो बहुत ही वायलेंट है। कैथरीन ने कहा कि पॉल का वे ऑफ लाइफ जरा अलग है पर वरी करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक बार उसका बहुत ही वायलेंट फोटोशूट था जहां पर उसने सब लोगों को बहुत ही सेफ फील कराया था। सेट पर बहुत ही मजे हुए थे। एक्चुअल में मैंने खुद उस फोटोशूट में मॉडल किया था। पॉल एक अच्छा पर्सन है। अपनी मदर की बात सुनकर एमा रिलैक्स हो गई। उसे लगा कि वो पॉल को जरा गलत समझती है। इनके जाने के बाद पॉल एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुन रहा था। एमा को भी बहुत अच्छा लगा जिसकी लिंक वो उसे सेंड कर देता है। एमा का पॉइंट ऑफ व्यू अब बदल चुका था। अगले दिन सुबह पॉल अलग अलग चीजों की इमेजेस ले रहा था। तभी उसने एमा को देखा तो उसकी भी फोटो ले लेता है। एमा उसे पूछती है, तुम ऐसे विदाउट परमिशन मेरी फोटो कैसे ले सकते हो? पॉल ने कहा कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसकी फोटो मैं ले लेता हूँ, परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मेरा कैमरा फोड़ सकते हो। एमा ने भी इस बात पर हंस दिया। पॉल ने फिर एमा की बहुत सारी फोटोज ली। ये सारी चीजें हेनरी देख रहा था। डिनर के वक्त भी एमा और पॉल बहुत सारी बातें कर रहे थे, बाद एक साथ वाइन पी रहे थे। ये बात हेनरी और कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। कैथरीन ने एमा को जल्दी रूम में जाकर सोने के लिए कहा। यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए पॉल ही अपने रूम में चला जाता है। पर रात में जब बहुत ही लेट हो चुका था तो एमा पॉल के पास आ गई। उसके रूम में नेट देखकर वो कहती है, क्या है तुम्हारे नेक्स्ट फोटोशूट के लिए है? पॉल कहता है कि एक अच्छी मॉडल मिलनी चाहिए तो मैं फोटोशूट कर लूंगा। एमा कहती कि मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ पर मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। पॉल ने कहा कि तुम्हें हायर करने के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं। एमा ने यहाँ इसी रूम में अपने फादर का वेट नोटिस किया। ये थोड़ा सा अजीब था पर इस बात को इग्नोर कर देती है। एमा ने पॉल से कहा कि उस रात मैंने झूठ कहा था, सचमुच में मेरा लैब असिस्टेंट के साथ अफेयर हुआ था। ये सब चीजें उसे डिटेल में बता रही थी। पॉल ने उसके लिए एक ड्रिंक बना दिया। एमा हमेशा वाइन पीती थी पर आज उसने स्ट्रांग ड्रिंक बनाया हुआ था। ये दोनों फिर करीब आ गए और इंटीमेट होने लग गए थे। अचानक से एमा को बहुत ज्यादा नींद आने लग गई। वो पॉल को कहती है कि मुझे बाद में उठाना। अगली सुबह वो डायरेक्टली अपने रूम में ही उठी। कल क्या हुआ इसके बारे में उसे याद नहीं आ रहा। पॉल को इसके बारे में वो पूछती है तो पॉल ने कहा कि तुम सो गई थी, इसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दिया। जैसे कि हमने देखा था कि कैथरीन और हेनरी को पॉल का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, उसे यहाँ से जाने के लिए पूछ लेते हैं। पॉल भी इस बात से एग्री करता है। ये बात जब एमा को पता चली तो बहुत ही अपसेट हो गई। वो फादर से पूछती कि आपने ऐसा किया क्यों? हेनरी कहते कि तुम्हें पॉल कूल लग रहा होगा पर मैंने उससे बात की है, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उतना भी अच्छा नहीं है। एमा की तबीयत जरा खराब हो गई और वो उल्टी करती है। पॉकेट में अपनी पिल्स जब उसने चेक की तो उसकी नींद की गोलियां जरा कम थी। उसे लग रहा था कि पॉल ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसे उस पर शक था ही। अब फिर से इन्वेस्टिगेशन वो करने लग जाती है। उसके रूम में जाकर उसकी गाड़ी की चाबी उसने निकाल कर लाई। पॉल की गाड़ी के ट्रंक में उसने रोप, कुछ हैंड ग्लव्स और खतरनाक चीजें देखी। यही चीजें उसने अपने मर्डर के फोटोशूट में यूज की थी। पर इन सब चीजों के साथ उसके एक्स गर्लफ्रेंड के हेयर्स उसमें थे। एमा समझ जाती कि पॉल ने उसके एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है। चाबी रखने के लिए जब वो पॉल के रूम में आई तो पॉल ने कहा, तुम बहुत ही अजीब हो, मैं तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, पर तुमने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें जान ली है। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। मदर एमा के पास आकर उसे सॉरी कहती है। पहली बार एमा ने जब मदर को पॉल के बारे में बताया हुआ था तो मदर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मदर आकर एमा को सॉरी कहती है।
रात में सिटी में एक कंसर्ट था, एमा इंटरेस्टेड नहीं थी तो मदर और फादर अकेले वहां चले गए। एमा घर पर अकेले ही थी तो रात में उसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आई तो पॉल वहां था। उसके करीब आने लग गया तो एमा उसे दूर भागने लगती है। उसने कहा कि तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। पॉल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास आकर उसे जबरदस्ती करने लग गया। एमा ने पहले ही जब उसे खतरा महसूस हुआ तब अपने पास नाइफ रख ली थी। इस जोर से वो पॉल को मार देती है। इससे वो इंजोर्ड होकर ब्लीड होने लग गया। एमा अब कन्फर्म हो गई थी कि उस फोटोशूट के बाद पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला था। उसकी बॉडी वो कार में लेकर आया और इसके बाद एक नेट में डालकर उसने उसे डुबा दिया। घर में आने के बाद पॉल का वो क्या करे ये बात उसे भी सता रही थी। जिस तरीके से पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को सी में डाल दिया उसी तरीके से एमा भी पॉल को नेट में डालकर सी में फेंक देती है। जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया वही अंजाम उसे भुगतना पड़ा। एमा के घर पर आते वक्त पॉल ने अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी जिसे सबको लग सके कि वो यहाँ पर था। एमा पर कोई भी शक नहीं करेगा। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत गए थे। जो भी हुआ था इसके बाद एमा अच्छी तरीके से राइड करने लग गई थी। वो डिसाइड करती है कि अब वो फिर से अपने कॉलेज में वापस जाएगी। अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके पेरेंट्स को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।